विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभीजन का प्रणाम करी थे। सीधी माँ कोरोना के रफ्तार बेहद तेज ही जोड़े गलाई के सीधी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से एमपी संदेश न्यूज 24 एक्सक्लूसिव बातचीत करी जोने माँ उनके द्वारा बेहद बड़ी चिंता जाहिर की गई ही। उनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया कि बीते 8 सितंबर का जो 39 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और एक व्यक्ति के मौत में जो 40 वर्षीय यूनियन बैंक मायापुर के बाबू के मौत भई ही ओ माँ बेहद दुख जाहिर करी नहीं। साथ में उनके द्वारा यह भरोसा जताबा गया है कि यदि लोग लापरवाही न करें तो यह कोरोना वैश्विक महामारी से सीधी अवश्य जीती। साथ में उनके द्वारा होम आइसोलेशन सहित अन्य मुद्दन माँ गंभीरता से राय रखी गई। सुनी पूरी बतकहाओं के प्रमुख अंश। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। सर सीधी में बात, फिर से कोरोना जो है अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। कल जो है लगभग 30 नए कोरोना संक्रमित आए हैं, क्या कहते हैं सर सीधी की स्थिति आगामी दिनों में क्या होगी? देखिए ये सही है कि पिछले दिनों में काफ़ी तेजी से इसके प्रकरण आ रहे हैं कोरोना के, और कल के इसमें 39 केसेस हमारे हैं। 39 में 16 तो जो रैपिड किट हमें मिले हैं तो उसके थ्रू आए 16 जो सेम डे, और 8 ट्रोनाट के इसमें आए थे जो उनका एक दिन पहले जो लिया हुआ था, और शेष रीवा से मिले थे। ये जो महीना है अक्टूबर तक में ये माना जा रहा है कि इसमें कोरोना में तेज़ी से इसमें वृद्धि होगी पूरे देश भर में ये स्थिति है। लेकिन सीधी के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो हम लोग अपेक्षाकृत कम हमारे यहाँ लोग प्रभावित रहे, तो ये एक अलार्मिंग है कि लोगों के लिए और हम सब के लिए भी है कि यदि हम प्रिकॉशंस को नहीं करते हैं तो ये बहुत ही कष्टकारक समय रहेगा। क्योंकि जो हमारा मास्क का प्रयोग है या सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरा हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ साफ जो हमें साबुन से या फिर सैनिटाइजर से करना, ये तीन सबसे पहले करना ज़रूरी है। एक अच्छी बात आज की स्थिति में हमारे पास ये है कि अब हमारे पास रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए हमें किट उपलब्ध हुए हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भी हो, यदि शहर में भी या कहीं भी, जो हमने फीवर क्लिनिक जो 11 हैं, बाकी जगहों पे भी हमने उसके किट के कुछ हिस्से हमने भेजे हैं कुछ कुछ मात्रा में, तो ऐसा किसी को भी लगता है कि सर्दी खांसी जुकाम है, खुद भी यदि करना चाहें तो वो फीवर क्लिनिक में पहुँचेंगे, और उनका जो हमने ट्रेनिंग भी कराई है वहाँ के लैब टेक्नीशियंस जो हमारे हैं, तो उनका हम तत्काल ले सकते हैं और कुछ मिनटों में उनका रिजल्ट आ जाता है। संख्या भले ही बढ़े लेकिन यदि हमें 3 दिन पहले पता हो जा रहा है, वही जब नॉर्मल में तीसरे चौथे दिन आते हैं उनका रिजल्ट आते आते ज़्यादा देर होती है, तो ये हमारे लिए सुविधाजनक होगा कि हम उनको केयर कर पाएंगे और उनका इलाज हम पर्याप्त हम करा पाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूर है कि चूँकि ये बारिश का भी जो लास्ट समय चल रहा है और इस समय अमूमन भी थोड़ा इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये बढ़ेगा, लेकिन उतनी ही सावधानी हम सब की बढ़नी चाहिए जो जिसमें शायद अभी भी हम लोग पीछे हैं। सर सीधी के एक बैंक कर्मी की जो है रीवा में दुखद निधन हो गया कोरोना के चलते, सर क्या कहा जाए कि कोरोना के खतरनाक स्तर को जनता नहीं समझ पा रही है या प्रशासन नहीं समझा पा रहा? देखिए अभी तक लकीली मैं बताऊं कि अभी तक जितने हमारे केसेस आए हैं, हमने करीब लगभग 20,000 सैंपल्स हमारे यहाँ कराए गए, लगभग 20,000 के आसपास हम लोग किए हैं, तो जितने भी हम लोगों ने कराए और लगभग 2% हमारा पॉजिटिव उसमें है, तो ये जो संख्या है एसिम्प्टोमेटिक हमारे ज़्यादा है। एसिम्प्टोमेटिक है मतलब कि हमने शुरुआती दिनों में ही इनके कराए हैं, यदि ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन फिर बिना किसी केयर जो कि उनका खान पान और जो बाकी जो दवाओं से जुड़ा रहता है के रहते, तो तब ये स्थिति और भयावह होती, मतलब तब ये स्थिति और ख़राब होती। तो इसमें मैं थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रथम उनका नेगेटिव आया था उसके बावजूद यदि वो उनको सांस की तकलीफ़ हो रही थी तो इसमें और केयरफुल होना चाहिए था,
डॉक्टर्स में भी वो आपस में भी उनकी बात होनी चाहिए, जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली है कोविड की, जो हमारे वो आपस में जो बात करते हैं, जो पर्याप्त टेस्ट होता है, टेस्ट जो हमारे सिटी स्कैन है की व्यवस्था है, यदि निगेटिव था तो उस समय पहले भी उनका होता तो शायद हम बेहतर कर सकते थे। तो ये इसको तो मैं मानूंगा कि हम शायद और बेहतर हम कर सकते थे और करना चाहिए था, जो कि इस केस में चूँकि रीवा गए, रीवा में भी जब उनका पॉजिटिव आया तो उसके बाद वो नहीं बच पाए, जबकि रीवा में संसाधन तो बेहतर है, हमसे काफ़ी बेहतर संसाधन है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, लेकिन ये दुखद है। लेकिन ये एक सबक सबके लिए है कि ऐसा कुछ भी रहे, कोरोना रहे, यदि सांस की तकलीफ है तो कतई घर पे ना रहें, ना किसी नीम हकीम वगैरह से जाएं, फीवर क्लिनिक ही जाएं, कोरोना से जुड़ा जो क्लिनिक है, और टेस्ट सबसे पहले कराएं। यदि परसिस्ट करता है तो इसमें जो कोरोना के जो हमारे ट्रेंड जो मेडिकल डॉक्टर हैं, मेडिकल जो ऑफिसर हैं, जो तो उनसे भी कंसल्टेशन ज़रूर करें। यदि आपने बाहर किसी को दिखाई है तो उसके साथ ही साथ उनसे टेली इस पर भी किया जा सकता है कि हमारे साथ ये दिक्कत है। और दो एक चीज़ें और रहती हैं कि जो सर्वथा जो भी साधन संपन्न है और यदि उनको है तो दो, एक तो जो SpO2 मापने के लिए, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन जब मापने के लिए जो होता है पल्स ऑक्सीमीटर, लोग रख सकते हैं, वो अफोर्ड करने लायक है, बहुत लोग ने किया है। और उसी के साथ नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, यदि घर के परिवार के अन्य कोई सदस्य यदि मुझे लगता है कि सर्दी खांसी है और बाकी चीज़ें हैं तो वो भी लोग रख सकते हैं जिनको साधन है। जहाँ नहीं है तो उसमें कोई बात ही नहीं है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से, हम लोगों की तरफ से अभी पर्याप्त हमारे पास साधन है उनको रोकने के लिए, उनके इलाज के लिए, उसमें नहीं कोई दिक्कत है। और हमें लगता है कि हमें और थोड़ा सा जो इसको कहें कि संवेदनशील होकर के लोगों के साथ आगे आने की ज़रूरत है, मेडिकल स्टाफ को, प्रशासन को, सबके लिए। सब बाजारों के हवा के बात की जाए तो इतनी जागरूकता के बाद 6-6 माह हर बात की गई है, फिर भी बाजारों में सब मास्क मीडिया को या फिर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस को देखकर लोग लगा रहे हैं, तो क्या इसके जागरूकता के लिए कुछ प्रशासन नवीन पहल करेगा? या देखिए, हम लोग भी हम चर्चा भी करी इस बारे में, हम लोग सोच भी रहे थे कि इसको नए तरीके से कैसे किया जाए, कैसे लोग इस चीज़ को अपनाएं। तो जो हमारे कला वगैरह से जुड़े जो ग्रुप हैं या और भी जो NGO जो जुड़े हैं, एक तो ये प्रशासनिक हुआ, एक हम दूसरे तरफ से भी हम पहल करेंगे कि उनको कैसे हम जोड़ें, कि यदि आप अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस दोनों, एक तो है कि हम प्यूनिटिव एक्शन है, हम उनको रेड क्रॉस में या कोई दंड स्वरूप हम उनको देते हैं, जुर्माना भरने के लिए कहते हैं। दूसरा ये है कि हम उसको अलग से दे भी, यदि गरीब आदमी है तो हम उनको किट ये भी दें, मास्क भी दें, और साथ ही साथ उनको वो समझाइश भी दें। तो हमेशा तो नहीं हो सकता 24 घंटे या जितनी देर खुली रहती है, लेकिन ये एक एग्जेम्पलरी हो सकता है कि ऐसे कई सारे ग्रुप हैं, तो उनसे बात करके हम इसमें इस संबंध में पहल करेंगे। होम आइसोलेशन को लेकर लोगों के मन में थोड़ा सा भ्रम है कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली तो इस बात को मेंटेन कर सकता है होम आइसोलेशन को, जो एक गरीब है और यदि वो होम आइसोलेशन में रहना चाहता है या फिर उसके लिए क्या है सर ये होम आइसोलेशन? देखिए, होम आइसोलेशन हम लोग वहीं अलाउ कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की भी यही है कि पहला तो जिनको घर में अलग कमरा जिसमें कि टॉयलेट हो, अलग सेपरेट टॉयलेट हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रूम अलग हो और हवादार रूम हो तो बहुत अच्छी बात है, तो वो जिनके पास हो पहली बात तो वो, सेकंड कि उनके घर के जो परिजन हैं, कोई उनको सभी तो नहीं जाएंगे लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा उम्र की नहीं होनी चाहिए, उनकी केयर करने के लिए कोई ना कोई हो जो उनको खाना वाना जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं वो उनको होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे आम है कि उनके पास नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर होनी चाहिए, और तीसरा उनको ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए जो पल्स ऑक्सीमीटर होनी चाहिए, और उसको रिकॉर्ड जो है सुबह और शाम में कि टेम्परेचर आया या नहीं आया, या पल्स पल्स ऑक्सीमीटर का क्या रिजल्ट रहा, यदि वो रखते हैं और ट्रैक करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं,
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग कर सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ एक कमरा है, दो रूम है, परिवार में 5 या 6 व्यक्ति हैं, तो वहाँ हम नहीं अलाउ करेंगे और कई बार रेसिस्ट करते हैं। आज भी एक गांव से इस तरह का आया कि रेसिस्ट करें, नहीं आना चाहते, तो हमने पुलिस की मदद से उनको बुलाया, चूँकि उनके कारण उनके बच्चों को और बाकी लोगों को खतरा है। तो ये हम उन्हीं को अलाउ हम करेंगे जिनके पास, यदि गाँव भी है, पक्का घर है या कच्चा ही घर है, लेकिन वो उनको पर्याप्त है कि वो अलग से रह रहे हैं, तो उनको हम अलाउ कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है, और इनके साथ अभी हमें ये भी शुरू करना है, आज से लगभग हम सबसे शुरू कर लेंगे कि जितने लोग हैं उनसे हमारी टीम प्रतिदिन बात करे, वीडियो कॉल जहाँ तक संभव हो। यदि उनके पास बेसिक फ़ोन है तो नहीं संभव हो पाएगा, नहीं तो फ़ोन पर प्रतिदिन उनसे हम बात करें, उनकी कैसी स्थिति है ये बताएंगे। अगर कुछ उनकी स्थिति में उनको तकलीफ लगता है कि वो बढ़ा है, तो फिर हम इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल लेकर आएंगे। सर, सीधी में 400 के ऊपर आंकड़ा जा रहा है संक्रमित का, 3 मौतें हो चुकी, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप कि जनता कैसे इस कोरोना वायरस को हमारी पकड़े? जनता से तो बारंबार यही अपील है, बारंबार मतलब हर 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 तरफ से सभी कहते हैं, पहला तो जब तक हमें बहुत ज़रूरी नहीं है तब तक हमें बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में रहें तो सेफ हैं, तो सुरक्षित हैं। बहुत ज़रूरी है यदि बाहर निकल रहे हैं तो मास्क हमारे पास रहना ही चाहिए। सैनिटाइजेशन के लिए हमारे पास यदि साधन है सैनिटाइजर का तो वो साधन रहे, या नहीं तो दूसरा, हम कहीं गए हैं तो हाथ को हम साबुन से ज़रूर धोएं। यदि ज़्यादा समय ज़्यादा भीड़ में रहें तो नहाएं, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है कि आप साबुन से हम नहाएं साबुन लगा के। और तीसरी बात कि कहीं भी बहुत नज़दीक किसी के नहीं पहुंचा जाए, जो जो 2 मीटर 2 गज की दूरी कहते हैं कि वो उतनी दूरी कम से कम रहनी चाहिए। और मुंह पे यदि मास्क है तो हमें जो ड्रॉपलेट से जो फैलने की है ये चीज़ें नहीं होंगी, और जिसको इसी चीज़ को हम लोग कई बार भूले हैं और इसका खामियाजा हमने कई बार इसको भुगता है कि जो सार्वजनिक जगहों पर भी और ऐसे 1 से 4, 4 से 15 या 14 या 16 लोग संक्रमित हुए। सर,